हाय गाइस, सो बेसिकली आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप वाटर कलर का यूज़ करके एक रेड रोज़ पेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले उसके लिए मैंने एक स्केचिंग कर लिया है रोज़ की HB पेंसिल का यूज़ करके। पेपर में 140 GSM यूज़ कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं स्कारलेट लेक कलर यूज़ करूँगा, जो बेसिकली एक रेड कलर होता है। तो इस कलर का यूज़ करके मैं पूरे पे एक फ्लैट टोन दूंगा और ब्रश में 10 नंबर का राउंड ब्रश यूज़ कर रहा हूँ। फर्स्ट वॉश ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। मैं हल्का सा क्रिम्सन लेक लगाऊंगा, जहाँ जहाँ मुझे लगता है कि पिंक टोन हल्का सा आ रहा है, तो उस जगह मैं हल्का हल्का सा क्रिम्सन लेक लगाऊंगा। क्रिम्सन लेक बेसिकली एक पिंक टोन होती है। सो बेसिकली ये चीज़ नोटिस करने वाली है कि बहुत से लोग सोचते हैं जैसे रेड कलर का रोज़ है तो उसमें खाली रेड कलर यूज़ होगा, बट ऐसा नहीं है। रेड कलर में भी बहुत अलग अलग तरह की टोन होती हैं। जिस तरह से आपने देखा, मैंने पोस्टर कलर में एक ग्रीन ट्री पेंट करके दिखाया था, उसमें 3-4 तरह के ग्रीन मैंने यूज़ करे थे। तो इसी तरह से मैं इसमें भी अलग अलग टोन यूज़ करूँ रेड कलर की। तो जहाँ जहाँ क्रिम्सन लेक लगाना था मैंने लगा दिया। अब दोबारा से मैं स्कारलेट लेक का यूज़ कर रहा हूँ। जो जगह मुझे लग रही है कि डल है, उन्हें थोड़ा सा शार्प करने के लिए, अभी डिटेल में नहीं जाना है, बट जहाँ जहाँ लग रहा है कि हाँ स्कारलेट लेक यूज़ हो सकता है, वहाँ पे मैं कर रहा हूँ। सो बेसिकली स्कारलेट लेक मैंने लगा दिया है जहाँ जहाँ लगाना था। अब मैं एक डार्क कलर का यूज़ कर रहा हूँ। ये डार्क कलर मैंने स्कारलेट लेक में हल्का सा ब्लू मिक्स करके बनाया है। तो मैं डार्क कलर वहाँ यूज़ कर रहा हूँ जहाँ पे एक पेटल की शेडो दूसरी पेटल्स पे पड़ रही है, तो उससे जो है जो ऊपर वाली पेटल है उसकी फॉर्म निकल के आ रही है। बिगनर्स बेसिकली सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि डार्क टोन का यूज़ बहुत कम करते हैं। उन्हें डर लगता है कि अगर डार्क कलर लगाएंगे तो हो सकता है पेंटिंग ख़राब हो जाए, ये ड्राइंग उनकी ख़राब हो जाए। बट डार्क कलर लगाना बहुत ज़रूरी होता है, उससे जो आपकी फिनिशिंग होती है उससे निकल के आती है। सो बेसिकली जहाँ भी डार्क कलर लगाना था मैंने लगा दिया है। अब मैं 5 नंबर का राउंड ब्रश लेके हल्की हल्की सी डिटेलिंग कर रहा हूँ डार्क कलर का यूज़ करके। बहुत मोटी लाइनिंग्स नहीं बनानी है, बस हल्की हल्की सी बारीक लाइंस आपको एजेस पे ड्रॉ करनी है। तो आप यहाँ पे रेफरेंस में देख सकते हैं कि मैंने कौन सा फ़ोटो चूज़ किया है रोज़ बनाने के लिए। तो मैं एग्जैक्ट इसके जैसा नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि हमारा मेन मोटिव होता है उसमें इंटरेस्ट लाना, ना कि उसे एग्जैक्ट उसके जैसा बनाना। रोज़ हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, तो अब हम एक स्टैम्प बनाएंगे। तो स्टैम्प बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक फ्लैट वॉश दिया है सैबग्रीन का यूज़ करके। और हाँ, स्टैम्प बनाते वक्त एक बात याद रखनी है कि आपको इसे फ्लैट नहीं बनाना है, बल्कि इसे एक 3D शेप देनी है, एक राउंड शेप देनी है। तो उसके लिए आपको एक साइड से इसे डार्क दिखाना पड़ेगा और एक साइड से इसे लाइट दिखाना पड़ेगा। तो मैंने जो है एक साइड डार्क कलर का यूज़ कर रहा हूँ, मैंने पर्शियन ब्लू यूज़ किया है, एक साइड मैंने लाइट रखा है जिधर से लाइट आ रही है। रोज़ भी हमारा ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो चुका है, स्टैम्प भी हमारी कम्प्लीट हो गई है। अब ये लीव्स बची हैं, तो इन लीव्स में ज़्यादा डिटेल नहीं दूंगा, मैं सिर्फ फर्स्ट वॉश लगा रहा हूँ। तो इसमें मैंने हल्का सा सैप ग्रीन और गैम्बेज ह्यू का, जो कि एक येलो कलर होता है, तो उसे यूज़ करके मैंने
इसमें एक टोन दिया है। इसमें पैचेस दिख रहे हैं बट कोई बुराई नहीं है, पैचेस जो है वाटर कलर की एक तरह से खूबसूरती मानी जाती है। तो हमारी ड्राइंग ऑलमोस्ट कंप्लीट है।